हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसआर व्लॉग्स। सो आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ, एक अनबॉक्सिंग व्लॉग जो कि मैंने अमेज़न से बुलाया था। एक ट्राइपॉड मेरा और साथ में एक माइक। तो मैंने इंस्टा पे, जैसे आप भी सोच रहे होंगे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने भी ये वीडियो इसलिए खोला होगा अगर आपको लेना होगा ट्राइपॉड या आपको ट्राइपॉड का रिव्यू देखना होगा। तो मैंने भी ऐसी बहुत सी वीडियो देखी, फिर आखिरी मैंने उनके जो रिव्यूज रहते हैं अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे वो पढ़ के भी देख सकते हो वीडियो देख के। तो एक तो गोरिल्ला ट्राइपॉड था और एक ऑक्टोपस ट्राइपॉड। तो मुझे गोरिल्ला ट्राइपॉड का कुछ समझ नहीं पड़ा, रिव्यू भी कुछ समझ नहीं पड़ा, तो मैंने ऑक्टोपस ट्राइपॉड बुलाया है और एक माइक बुलाया है। तो माइक का मुझे नाम याद नहीं, एम सी कुछ है। और ये ऑर्डर है, यह आया था 21 जनवरी 21 तारीख को। आपको यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा देख लो, यहाँ 21 जनवरी को। और आज हो चुका है 7 फरवरी। तो मैंने इसको एक बार अनबॉक्सिंग उस टाइम कर ली थी और ट्राइपॉड को यूज करा ताकि आपको फीडबैक भी दे सको कि कैसा वो वर्क कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। तो चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। मुझे वैसे टाइम नहीं पता लेकिन दोपहर हो रही, एक बज के 1:30 होगी 1:30, क्योंकि मैंने बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है आजकल मैं बैक कैमरे से शूट करने लगा हूँ, अच्छी क्वालिटी। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा ट्राइपॉड यंत्रालय का स्कूल ऑफ गैजेट 360 डिग्री गोरिल्ला, वो गोरिल्ला नहीं ऑक्टोपस ट्राइपॉड। सो ये है और ये कुछ चीजें और है। ये मेरा माइक माउनो ऐसा कुछ है, माउनो माउनो माइक माइक्रोफोन है, लॉयल लाइन लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये अंदर एक स्लिप है, स्लिप में यही लिखा है सोल्ड बाय। मैंने खुद आज देखा, मैंने उस दिन देखा नहीं था, मेरे पास ये ऊपर का पड़ा था कि ऑर्डर आया है। ठीक है, ये ऑर्डर था। चलो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं ट्राइपॉड को। मैं एक बार इसको यूज कर चुका हूँ जैसे आपको बताया, लेकिन जैसा आया तो मैंने मैसेज कर दिया। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको एक मिलेगी ये टाइप की कुछ पॉलिसी पॉलिसी, फिर इसके बाद आपको मिलेगा ये ट्राइपॉड, ये ट्राइपॉड मिलेगा आपको। और मैं एक सेकेंड चेक करता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, वीडियो ऑन है, मैंने देख लिया है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे कि ये रहा ट्राइपॉड ऑक्टोपस वाला। इसको आप कहीं भी ऐसे मतलब कर सकते हो, जैसे कि हम इसको चाहे तो पूरा ऐसे कर सकते हैं। ये देखो, आप इसको किसी भी तरह के रख सकते हो, और कुछ की पतली चीजें तो आप उसको वहां पर ऐसे इसको ऐसे करके उस पर कर भी सकते हो। जैसे कि आपको मैं क्या दूं, हाँ जैसे कि आपको ये मेरा चार्जर पड़ा है, आपको चार्जर दिखाता हूँ। इस चार्जर जैसे ऐसी कुछ जगह था, इसको यहाँ पर ऐसे कुछ करके इसको इस पर अगर इसको उस रोटेशन मतलब मैं बोल नहीं पा रहा, इसको आप किसी भी जगह पे टांग सकते हो, किसी भी कोई लकड़ी वगैरह पे आप इसको ऐसे कर दोगे इसको ऐसे ऐसे करके तो वहीं पर टंग जाएगा। मतलब आपको एक वैसी जगह नहीं चाहिए, एकदम प्रॉपर जगह चाहिए, वहां पर आप ऐसे रखो इसको, आप कैसे भी कर रख सकते हो। बड़ा कंफ्यूज मैंने बोलना है, इसको आप स्ट्रेट भी कर सकते हो, मैं आपको स्ट्रेट करके बता देता हूँ। वीडियो बनना साथ में ये है इसका हेड, जैसे वॉल हेड बोलते क्या बोलते, और ये प्लास्टिक का है, बहुत अच्छी प्लास्टिक है। और ये है इसको टाइट करने का, और ये है 360। एक सेकंड आप उसको पहले ढीले कर सकते हैं, ये देखो ये 360। और साथ में ये आया है, ये शायद से गोप्रो के लिए आया है, मुझे जो पता नहीं है, मैंने जब देखा था तो उन्होंने बताया शायद से गोप्रो के लिए है, मुझे इसका यूज नहीं पता। और ये रहा फोन होल्डर, एक यहाँ पर दिया हुआ है कि आप सीधे या तो उसको ऐसे लगा लो, या फिर एक ऐसा दिया ऐसे लगा लो, बट ऐसे में मतलब इतने ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, तो पहले इसको लगाओ, क्योंकि ये लिया ही तो इस चीज से ली गए, इसलिए इसको लगा के यूज करो। इसके बिना फिर 360 रोटेशन कहाँ है, ये लगा दिया इस पर, फिर उसके बाद आपका ऑप्शन है या तो आप उसके ऊपर ऐसे करके लगा लो, या फिर यहाँ पर दिया या फिर ऐसे करके लगा लो। तो मैं आपको पहले ऐसे करके ही लगा के बताता हूँ, क्योंकि YouTube में ऐसा ही काम होता है। काम गया, ये हो गया, अभी मैं इसको पूरा टाइट नहीं कर रहा हूँ अच्छे से। सो ये रहा, अगर आपको अगर इंस्टा पे इंस्टा किसी की वीडियो बनानी तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं एंड देन इसको कहीं रख के वीडियो बना सकते हैं। मेरे दादा कह रही है यूट्यूब के लिए, तो आप इसको ऐसे करो और यहाँ से इसको ऐसे टाइप कर लो। और ये रहा, इसको पहले इसको भी अनबॉक्सिंग कर लो बताता हूँ, फिर इससे मैं आपको बताऊंगा भी फोन लगा के। सो ये है, ये कुछ इस तरह का आइटम है। ठीक है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दिया है नीड मोर हेल्प और हैप्पी करके, और ये कार्ड दिया है, इसमें बताया गया है माइक्रोफोन को यूज करना, आप कैसे यूज कर सकते हो, ये दिख रहा है इसमें।
और कुछ नहीं है, और कुछ ये दो चीज है। और ये जो है ये जो पिन है इसको आप ऐसे लैपटॉप और कंप्यूटर पे लगा सकते हो, और देन उसके बाद वो जो अंदर आपको मैं दिखाता हूँ पहले मोटर को ऑन करके, ये पता नहीं क्यों है, हाँ तो ये रहा हमारा माइक्रोफोन, इसको भी आप इग्नोर करना माइक्रोफोन, उन्होंने मतलब ऐसे करके अच्छे से करा था, अब मैं इसको एक बार अनबॉक्स करके चेक कर रहा हूँ ना, तो इसलिए ऐसा है। सो ये रहा, और ये दो क्लिप आई है, आपको यहाँ पर ऐसी क्लिप को लगाओ, आपको मैं दिखाता हूँ, दो क्लिप है, कभी एक घूम जाए तो काम हो जाए, वैसे जल्दी घूमेगी, ये लगी क्लिप, फिर आप यहीं पर कहीं भी ऐसे लगा सकते हो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया, और इसको आप अंदर डाल सकते हो, मतलब अपने ये जो मैंने पहने स्वेट शर्ट, अगर आप शर्ट वगैरह कुछ भी पहने उसे अंदर कर लो ताकि किसी को वायर ना दिखे। ये रहा, अच्छा सा लॉन्ग वायर है, काफी ज्यादा आप देख सकते हो, मतलब मेरा फोन वहां तक आराम से जा सकता है। सो वीडियो ऑफ हुई थी अभी, और मैं जैसे उसको देखने गया तो मेरे को लगा ठीक है मैं स्टोरेज के कारण, तो मैंने ऑन किया, मैंने सोचा थोड़ा और शूट हो जाएगा, बट वो हो ही नहीं रहा था, तो मैं आपको जो दिखा रहा था मैं आपको दिखा देता, मैंने इसको वापस अंदर कर दिया था, दिखा के इसको आपको दिखा रहा था। तो ये पिन को आप कैसे यूज करते हैं फटाफट से देख लो, स्टोरेज ना भर जाए, ये पिन को आप जो अपने पास ये जो पिन है इस पिन में लगाओ, इसकी पिन से आप फोन के लिए यूज कर सकते हो, बट ये पिन से आप लैपटॉप या कंप्यूटर उसमें यूज कर सकते हैं, ये पिन लगाओ एंड देन उसको उसमें अटैच कर लो अच्छे से इसको करके, या आप लैपटॉप कंप्यूटर पे यूज कर सकते हो, मतलब माइक्रोफोन को उसमें भी यूज कर सकते हो। हो गया है, और ये कार्ड्स डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं, स्टोरेज नंबर से मुझे डर लग रहा है। सो अभी तो आप मेरी आवाज सुन रहे हो कैसी आ रही है, अब मैं इसको लगाता हूँ, ये कॉलर माइक है, देन आपको बताता हूँ कैसा साउंड आएगा। अभी मेरा फोन गिर गया था, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अब तो ये ट्राइपॉड से शूट करूँगा, वैसे मैं इससे शूट करना स्टार्ट कर चुका हूँ मेरी रील्स वगैरह के लिए, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा अभी तक तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैं ट्रांजिशन वीडियो और डांस वीडियो बहुत सी वीडियो डालता हूँ, और जैसे आपको वीडियो चाहिए यूट्यूब पर भी वो भी कमेंट बताना कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर लाऊँ, और इससे यूज़ करूँगा तो फिर ऐसा ना आएगा, क्योंकि फ़ोन मैंने किसी टेबल के ऊपर ऐसे एडजस्ट करके रखा इसलिए, और जैसे कि मैं माइक लगा चुका हूँ तो आपको मेरा साउंड बहुत अच्छे से आ रहा होगा, और यही आप जान सकते हो कि बिना माइक के पहले कैसी आवाज़ आ रहा था, पीछे करके देखो और आप देखो कि माइक के बाद कैसा आवाज़ आ रहा है, तो ये माइक का फ़ायदा है। और अब मैं इस पर सेट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सो मैं इस पर सेट करके आपको फटाक से दिखाता हूँ कि दोनों चीज़ से कैसे वीडियो आती है, और इससे मैं आपको शूट भी करके दिखाता हूँ, तो चलो। सो अब मैंने फ़ोन को ऑक्टोपस ट्राइपॉड पे लगा दिया है, सो आप देख सकते हो कि अभी मुझे ऐसा बार बार फिक्स करना पड़ रहा था, अब मैं टेंशन पे बैठा हूँ आराम से, हाँ लेकिन मुझे इस चीज़ का टेंशन स्टोरेज ना भजा, लेकिन हाँ मैंने अब खाली करा है, और माइक से भी आपको अच्छी आवाज़ आ रही होगी, ये भी ऑन है, इधर मैंने अंदर कर लिया, ऐसे शूट करे ताकि किसी को दिखे भी ना। और आपको मैं एक बार इनका प्राइस बता देता हूँ, मैंने अभी तक आपको प्राइस नहीं बताया है, फिर आपको आगे कुछ बताता हूँ, एक मिनट मुझे भी देखने दो क्योंकि मैं भूल चुका हूँ, करेक्ट प्राइस इसमें लिखा होगा आई गेस। सो अभी ट्राइपॉड मेरे हैंड में, और अभी स्टोरेज भर गया था, मैं आपको इससे प्राइस बता रहा था, तो ये जो गोरिल्ला ट्राइपॉड है इसका करेक्ट प्राइस मुझे कुछ 360 कुछ ऐसा है, और ये जो माइक्रोफोन है इसका 353 ऐसा कुछ, और 30 रुपये चार्ज टोटल मैंने 750 चार्ज करा था, चार्ज किया था मतलब 750 रुपीज़ दिए थे, बट मुझे पक्का नहीं पता, तो अभी मैं आपको ऊपर चलता हूँ छत पे, अच्छे से इससे बताता हूँ कैसे शूट हो रहा है, वहाँ आपको करेक्ट प्राइस अभी चेक करके बताता हूँ, मैं आपको इसका प्राइस बताता हूँ, मैं इससे ही बता रहा हूँ, मैंने इतना करा फिर समझ आया, तो मेरा ये जो माइक था ये मुझे पड़ा था कुछ 353 रुपीज़ का, एंड मेरा जो ट्राइपॉड था ये जो 360 रुपीज़ का पड़ा था, उस टाइम लाइटनिंग डील चल रही थी, अभी कुछ 500 तक का है, डील आती रहती है, आप ले लेना जब कोई भी मतलब वो आएगा डिस्काउंट वाला। सो ये टोटल हुआ 600 650 710 30 रुपीज़ का मेरा वो लगा था चार्ज, शिपिंग का 340 रुपीज़, एंड ये कुछ मैं बोला जैसे 350 रुपीज़ एंड टू, ये भी कुछ 2-3 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, तो ऐसे 749 रुपीज़ का टोटल ऑर्डर था मेरा ये। सो मैं छत पे आ चुका हूँ, आप जैसा देख सकते हो कितना अच्छे से शूट हो रहा है, और ये रहा मेरा ट्राइपॉड, अब मैं आपको दिखाता हूँ वायर कितना लूँगा, मेरी बहन को देता हूँ इसको पकड़ना, एक सेकंड थोड़ा ऊपर करके, सो आप देख सकते हो कितना बड़ा वायर है इसका,
और बस मेरा मॉल का स्टोरी ना भर जाए, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को वीडियो को एंड करता हूँ। बाय द वे मैं आपको फीडबैक देना भूल ही गया था, सो आज मैं ब्लॉग की एडिटिंग कर रहा था, कल ब्लॉग आ जाएगा ये वाला, मतलब ये जो वीडियो है ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग वाला 100% आ जाएगा, बस नेट का प्रॉब्लम ना जाए इंटरनेट का। वैसे तो मैंने एडिटिंग वगैरह सब करके रखा है, सो अभी मैं वही ऑक्टोपस ट्राइपॉड से शूट कर रहा हूँ। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप यही ट्राइपॉड लें, और जो माइक है वो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको मतलब बहुत मतलब ज्यादा वो नहीं लेना है, अगर आप सिंपल एक फोन से यूज कर रहे हो, फोन से वीडियो बना रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, तो आप वही माइक ले और ये ट्राइपॉड ले जो मैंने यूज कर रहा हूँ, ऑक्टोपस ट्राइपॉड। और साथ में आपको ये बताना था कि ये मेरा प्री बर्थडे गिफ्ट है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।